सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में केवल आज का नहीं, कल और परसों का भी मिल जाएगा, उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एंड आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू ऑल गाइज टू प्लीज वॉच द मैराथन वीडियो ऑफ जुलाई, ताकि आप अब जब नेक्स्ट आए अगस्त के लिए तो वेल प्रिपेयर्ड रहें, पाइल अप ना हो। आई ट्राई कि अक्टूबर 1st एंड मैक्स बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड तक, फर्स्ट वीक के एंड तक अक्टूबर के, ठीक है, अक्टूबर एंड नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड तक मैं अगस्त भी निकाल दूं आपके लिए। एंड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर विल वाइंडिंग अप द सेप्टेम्बर ऑल्सो, ठीक है। तो दिवाली तक आपके पास अक्टूबर का भी रहेगा, तो एकदम चिल करना है, चिल नहीं करना है, माई बैड। बस न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करो डेली का, क्लैट इज़ नियर। एंड जिन भी बच्चों का मॉक स्कोर नहीं आ रहा है, अपने टीचर से बात करो, सर खाओ, जो करना है करो, बट एट लीस्ट डू इट, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। डोंट हैव अ ले बैक एटीट्यूड कि हाँ कर लेंगे यार कर लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, GK इज़ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन। जितना भी आप मैराथन कर लोगे उसकी मेरी गारंटी है कि आप 17-18 मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है, और मिनिमम 15 तो करोगे, उससे नीचे नहीं जा रहे। एंड अगर आप डेली फॉलोअप कर रहे हो तो 20 के अराउंड चले जाओगे। इट्स ईजी एंड इट इज़ स्मूथली, यू कैन डू इट। बट रही बात बाकी सेक्शंस की, देखो बेटा जीके में 20-22 लाने से सेलेक्शन तो नहीं हो रहा, ठीक है, बाकी सेक्शंस में भी अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। यू कैन नॉट ले बैक कि लाइक मैथ्स नहीं हो रही है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रहता है, नहीं हो रही इज नॉट एन आंसर, करना पड़ेगा, ठीक है। तो डू इट और फाइट करो यार, 1-1.5 महीना है बस, ज़्यादा नहीं है। 3 दिसंबर के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड 10th को आइलेट है तो उसके लिए भी तैयार रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस। फ्री मूवमेंट रेजिम विद म्यांमार, अगेन जो मणिपुर वाला इशू है उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, देखेंगे क्या क्या बातें हैं। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, ये देखना जरूरी है अवार्ड्स एंड ऑनर्स के परस्पेक्टिव से। कुछ दिन पहले हम लोगों ने राइस वाला आस्पेक्ट पढ़ा था, तो उस राइस वाले आस्पेक्ट से हम इसे लिंक करेंगे। फोन पे ओपन्स इंडस ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉयड डेवलपर्स चैलेंज द गूगल एप्पल डुओपोली। कभी कभार ये क्लैट का भी मन होता है कुछ अच्छा पूछने का, एंड दे टेंड टू आस्क सच क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव इन द क्लैट। आईलेट भी आपसे ये पूछ सकता है, इनके फाउंडर्स के नाम पूछ सकता है और पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं है कि पूछ सकता ही है। NIA इट्स पावर टू कन्फिस्केट प्रॉपर्टीज़, ये पंजाब में रिसेंटली ये कैनेडा वाला जस्टिन ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद जो इशू हुए वहाँ से NIA लिंक होगा। कहीं ना कहीं आप इसको पंजाब के प्रीवियस आस्पेक्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो पंजाबी सूबा मूवमेंट, जर्नैल सिंह भिंडरावाला, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सब भी इसके आस्पेक्ट्स बनेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज I2U2 ग्रुप। I2U2 पूछा जा सकता है क्लैट में भी डायरेक्टली एंड एलिट में भी। इट्स नॉट लाइक कि कोई वन लाइनर एग्जाम का ही क्वेश्चन है, नहीं, बल्कि क्लैट में भी आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आई विल कंसिडर इट इज़ अनदर फाइनेस्ट क्वेश्चन और गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, फ्री मूवमेंट रेजीम FMR इन म्यांमार है क्या ये? फ्री मूवमेंट रेजीम इज़ बेसिकली आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक या एक कंट्री के बॉर्डर से दूसरे कंट्री में आप इजिली ट्रैवल कर सको। इंडिया ने म्यांमार को ये दिया था, बट आफ्टर द म्यांमार मिलिट्री कूप ये चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर दी हम लोगों ने 2019 COVID-19 के बाद से। बट स्टिल इस पर अभी भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप देखो तो प्रॉब्लम 500 केसेस देखे गए हैं और वैल्यू सीज ड्रग्स इज़ 1,227 करोड़। जनरली क्या होता है, अगर इलीगल इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स ट्रैवल करते हैं तो उस बॉर्डर्स पे ड्रग्स के केसेस देखे जाते हैं, ड्रग्स है, ओपीएम है एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस के। कई बार इंडिया अफगानिस्तान के बीच में भी ये चीज़ देखा गया, इंडिया नेपाल के बीच में भी ये चीज़ देखा गया, इंडिया म्यांमार में भी ये चीज़ देखा गया, और वो तो भाई एक दो अमाउंट नहीं है, 1,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है। तो इसको इसलिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। FMR में क्या है कि जितने भी हिल ट्राइब्स हैं, वेदर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर म्यांमार है, वो 16 किलोमीटर आइदर साइड में ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब इंडिया के 16 किलोमीटर एंड म्यांमार के भी 16 किलोमीटर के अंदर ये बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बाई प्रोड्यूसिंग अ बॉर्डर पास विद अ 1 ईयर वैलिडिटी इशूड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड कैन स्टे अप टू 2 वीक्स पर विजिट। मतलब एक बार वो पास बना लिया, इट्स लाइक अ कार्ड, जैसे मान लो कि कॉलेज में जो आपको एंट्री कार्ड मिलती है, उस कार्ड के बेसिस पे आप एक बार एंटर करके 1 साल तक के लिए वैलिड होगा वो कार्ड, और आप 2 हफ्ते के लिए या तो उधर इंडिया या फिर म्यांमार में आप रह सकते हो, इट्स कम्प्लीटली ओके। FMR 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ अंडर द पॉलिसी ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर विच पॉलिसी FMR वाज इशूड, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। FMR इज इम्प्लीमेंटेड बाई बोथ गवर्नमेंट्स फॉर द पीपल लिविंग अलॉन्ग द IMB, डेट इज द इंडिया म्यांमार बॉर्डर।
तो ये दोनों कंट्री का है, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया का है या केवल म्यांमार का है, ये उनका भी है और हमारा भी। 2018 से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें FMR के ही अंदर, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर की बात करें तो 1643 किलोमीटर है इंडिया म्यांमार के बीच बॉर्डर लेंथ, और ये फोर डिफरेंट स्टेट से रन होता है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल। तो ये तीन स्टेट्स हैं जहाँ पर IMB पे आप ट्रैवल कर सकते हो, और ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं जॉइंटली। ये ट्राई पॉइंट भी है चाइना का एंड टू द ट्राई पॉइंट विद बांग्लादेश इन द साउथ, तो दो दो ट्राई पॉइंट यहाँ पर हैं, तो इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। असम राइफल्स को इस रीजन में डिप्लॉय किया गया है फॉर दिस पर्पस, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट द मणिपुर इशू। इंडो म्यांमार बॉर्डर अप्रॉक्स इतना है, और पर स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम ये अरुणाचल प्रदेश के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली उसका बॉर्डर भी लंबा है। करंट स्टेटस देखें तो गवर्नमेंट ने 2020 में पैंडेमिक के कारण उसको विड्रॉ किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर जो उन्होंने इशू कर रखा था IMB, इंडिया म्यांमार बॉर्डर का फ्री एग्रीमेंट। एंड 2021 कंटिन्यूड एस्केलेशन रिफ्यूजी क्राइसिस, एंड 2022 में इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था ये चीज़ फाइनली, कि भाई इतना ज़्यादा इंसर्जेंस हो रहा है, इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हैं मैडम स्वाति नायक जी, तो स्वाति नायक जी को मिला है नॉर्मन ई बॉर्डलॉग अवार्ड, जो कि राइस के फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने ब्रीडिंग वो प्रोड्यूस कराई राइस की, तो डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हु इज़ द फादर ऑफ राइस, या फिर राइस मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। ये लास्ट डे हम लोगों ने किया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द बासमती राइस, ठीक है, और कैसे उसका रिवॉल्यूशन फेस किया, पूसा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ पर ये टॉपिक लिंक कर सकते हो। ये टॉपिक डाइवर्स फॉर्म में क्लैट में नहीं आ रहा, आईलेट में जरूर आएगा क्योंकि उस एग्जाम का पैटर्न ही वही है, बट हाँ फॉर द क्लैट परस्पेक्टिव आप बासमती राइस से इसको लिंक करेंगे, इसमें एक आधा क्वेश्चन आपको ऐड ऑन हो सकता है। उस टॉपिक में हम लोगों ने ये भी देखा कि इंडिया कितना राइस प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। स्वाति नायक को ये अवार्ड मिला है, लेकिन ये पहली नहीं है, ये तीसरी पर्सनैलिटी है इंडिया से जिनको ये अवार्ड मिला है। नॉर्मन ई बॉर्डलॉग अवार्ड की खास बात, ये एक्सेप्शनल साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज 40 से नीचे है, यानी यंग साइंटिस्ट को, ठीक है। फिर ये नोबेल अवार्डी ग्रीन रिवॉल्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर नॉर्मन बॉर्डलॉग के मेमोरी में दिया जाता है, ठीक है। मेक्सिको बेस्ड है ये डॉक्टर बॉर्डलॉग साहब, और इसमें कैश प्राइस $10,000 दिया जाता है, डेट इज़ प्रेटी मच गुड अमाउंट, ठीक है। अगर देखा जाए तो फाउंडेशन एंड विल बी प्रेजेंटेड एवरी अक्टूबर दिया जाता है ये डेस मोइनस एवोवा इन द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। अगर देखा जाए तो पहले अदर रेसिपेंट्स थे अदिति मुखर्जी जी एंड महालिंगम गोविंद राजा। क्वेश्चन ये आता है कि अदिति मुखर्जी को जिनको पहली बार नॉर्मन ई बॉर्डलॉग अवार्ड दिया गया उनको किस लिए दिया गया, एंड महालिंगम गोविंद राजा को क्यों दिया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्लैट टेंड टू आस्क क्यों दिया गया, जैसे कि लास्ट ईयर स्वामीनाथन फार्मूला पूछा था उन्होंने C2+50% वाला, वैसे यहाँ पर भी आ सकता है। मुखर्जी मैडम की बात करें तो इनको इसलिए दिया गया था कि इन्होंने वाटर एक्सेस टू द फार्मर्स इन वेस्ट बंगाल को ट्रांसफॉर्म किया, डेट इज ए प्रेटी नाइस थिंग। मुखर्जी, याद रखिएगा ये नाम। एक गीता मुखर्जी कमेटी भी है आपका, जो बिल्कुल अलग है इन चीज़ों से, वो वुमेन रिजर्वेशन पे रिलेटेड है, तो मिक्सअप नहीं करना है, खिचड़ी नहीं बनानी है। नेक्स्ट बात करें डॉक्टर महालिंगम गोविंद राजा की, तो उनको नॉर्मन ई बॉर्डलॉग अवार्ड दिया गया फॉर द डेवलपिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड बाजरा वेराइटी। तो बाजरा वेराइटी के लिए इसको दिया गया डॉक्टर महालिंगम गोविंद राजा, राइस के लिए स्वाति नायक, एंड मुखर्जी मैडम को दिया गया फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग द एक्सेस टू वाटर इन वेस्ट बंगाल रीजन, ठीक है। आई होप कि इसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं था, इट इज़ कम्प्लीटली कि आपको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि आपने स्वाति नायक के बारे में पढ़ा लेकिन मुखर्जी और डॉक्टर गोविंद राजा लिंगम राजा के बारे में नहीं पढ़ा, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, बट समझना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज समझने वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं रिगार्डिंग द बासमती राइस। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जस्ट 2-3 दिन पहले का वीडियो देखो, उसमें बासमती राइस के एंड इट्स रिवॉल्यूशन के रिलेटेड बारे में हम लोगों ने बात किया। फोन पे ने एक नया इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है जो कि गूगल और एप्पल की डुओपोली को चैलेंज करेगा। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस डुओपोली इज, इकोनॉमिक्स का एक बड़ा क्लासिक टर्म होता है मोनोपोली, कि अगर एक फील्ड में कोई एक पर्टिकुलर आदमी ही ट्रेड करता है और किसी और की एंट्री नहीं होती, दैट इज कंसीडर्ड एज मोनोपोली। इट्स बैड फॉर मार्केट, ऑब्वियसली कंज्यूमर के लिए गलत है ये, कि अगर मान लो कि कोई एक पर्सन है और केवल वही एयरलाइंस को चला रहा है, एक ही एयरलाइंस है, तो वो अपने मन हिसाब से प्राइस रखेगा क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप दूसरा टिकट नहीं बुक करा सकते हो, आपके पास वही XYZ एयरलाइंस का ऑप्शन है, तो आप वहीं के टिकट खरीदोगे और वो 10,000 में बेचे, 20,000 में बेचे, यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर ऑप्शन लेफ्ट, तो डैट इज़ कंसिडर्ड एज अ मोनोपोली। बट करें डुओपोली की, तो डुओपोली इज ऑल्सो हार्मफुल, जब एक सर्टेन पॉइंट तक रीच करता है डुओपोली एक प्रॉब्लम है,
क्योंकि दोनों फिर कॉम्पिटिटर आपस में फिक्स कर लेते हैं कि इतना ही रखेंगे, तो ये चीज़ भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं फेयर कॉम्पिटिशन इन मार्केट खत्म हो जाती है। वैसे ही डुओपोली है, अब डुओपोली को चैलेंज करेगा फ़ोनपे। फ़ोनपे की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, तो फ़ोनपे बेंगलुरु बेस्ड एक पेमेंट कंपनी है बेसिकली, जो कि NPCI और UPI की तरह काम करता है। 12 इंडियन लैंग्वेजेस में ये ऐप स्टोर प्रोवाइड करेगा। और बात करें फ़ोनपे एक इंडियन डिजिटल पेमेंट्स है जो कि बेंगलुरु कर्नाटक इंडिया में बेस्ड है। 2015 में फाउंड किया गया। इंपॉर्टेंट है कि फाउंड किसने किसने किया, तो समीर निगम जो कि अभी करेंटली CEO भी हैं शायद, राहुल चारी एंड बुर्जन इंजीनियर, तो ये तीन लोगों ने मिलकर फ़ोनपे को फाउंड किया था। फ़ोनपे ऐप जो कि UPI बेस्ड ऐप है, जो कि आप यूज़ करते हो, फ़ोनपे पे इतने रुपये प्राप्त हुए, आप कभी कभार सुनते भी हैं 10-10 करके एक आवाज़ भी आती है, राइट। ये 2016 में ये रजिस्टर हुए, तो ये चीज़ थोड़ा सा देखने लायक है इस पर्टिकुलर न्यूज़ सेक्शन में। नाउ NIA एंड इट्स पावर टू कन्फिस्केट। देखो जो भी कनाडा वाला इशू हुआ, पंजाब से भी लिंक हुआ, जस्टिन ट्रूडो ने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी ये भी कहा कि भाई हम नहीं चाहते इंडिया को इस पे हम परेशान करना, हम कुछ उनका एडवर्स रिएक्शन नहीं चाह रहे थे, बट हम वार्न कर रहे थे कि ही नीड्स टू रिवाइज इट्स हिज बेसिक्स, की किसने टेररिस्ट को पनाह दे रखी है अपने ही घर में, राइट। अगर बात करें NIA की, तो ये पंजाब के, और आप जो मान साहब ने पिछले टाइम पे किया था रिगार्डिंग द गुरुद्वारा कमेटी एक्ट के अंदर, उन्होंने भी चेंजेस किए थे, उन्होंने कहा था कि भाई एक ही मीडिया, एक ही पर्सन क्यों मीडिया को कंट्रोल कर रहा है रिगार्डिंग द गुरुद्वारा एंड गुरुबानी को, तो उस चीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सिख गुरुज़ के बारे में, तो उसके बारे में भी पढ़िए, मे बी वहाँ से लिंक हो जाए, या ये टॉपिक आपका लिंक हो सकता है ऑपरेशन ब्लू स्टार और ब्लैक थंडर से, जो भी रिलेटेड है पंजाब से एंड इंदिरा गांधी से, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था गोल्डन टेम्पल में अगेंस्ट द जर्नैल सिंह भिंडरांवाला, उससे रिलेटेड है पंजाबी सूबा मूवमेंट, और पंजाब अमृतसर, पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल, ये तीनों एक सेपरेट स्टेट बने थे 1966 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर लिंक अप कर सकते हैं। अगर हम बात करें NIA के, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी है क्योंकि NIA एक्ट 2008 से बना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से भी देखोगे तो इम्पॉर्टेंट है। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है टेरर एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टेररिज्म लॉ के अंदर ये वर्क करता है। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नोडल मिनिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड डायरेक्टर जनरल दिनकर गुप्ता हैं NIA के अभी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ED के नए चेयरमैन कौन है, ठीक है, हट गए भाई साहब, आप बताइएगा कौन है नए चेयरमैन। वट इज़ I2U2? ऑब्वियसली समझ में आता है कि दो आई और दो यू के कंट्रीज़ हैं इसमें। I2U2 एक यूनिक स्पेस बेस्ड टूल, मतलब एक वेंचर क्रिएट करना चाह रहा है। ये बात करें तो इंडिया, इसराइल, UAE एंड US के बीच का एक ग्रुप है, इंडिया, इसराइल, UAE, US। कुछ थोड़ा सा करंट अफेयर से लिंक करना चाहें इसको और अच्छे से, तो कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल आया था जिसमें आप देख रहे होंगे कि US, UAE और इसराइल, ठीक है, ये तीनों आपस में आ रहे हैं वापस से। US, इसराइल, US चाह रहा है कि इसराइल और US की दोस्ती, UAE की दोस्ती हो जाए, सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो जाए इसराइल के साथ। US ये चाह रहा है क्योंकि भाई अब्राहम एकॉर्ड भी साइन किया उन्होंने 2020 में। बताइएगा अब्राहम एकॉर्ड कौन से तीन कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ था, वन ऑफ इज इसराइल एंड बहरीन, वट इज़ द थर्ड कंट्री, नेम इट, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें इसमें I2U2 में, तो I2U2 2021 में फॉर्म हुआ ओरिजिनली इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन के नाम से, जिसको वेस्ट एशियन क्वाड भी हम बोलते हैं। क्वाड मतलब जहाँ पर चार कंट्रीज ग्रुप में हो, वैसे एक क्वाड देखें तो एक ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, इंडिया का भी क्वाड है, और एक I2U2 का एक क्वाड है जिसे हम वेस्ट एशिया क्वाड बोलते हैं। इसकी वर्चुअल समिट हुई पहली 2022 में, और बैंकेबल प्रोजेक्ट्स वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमिक से रिलेटेड है तो उसी के बारे में ये बात भी करते हैं। प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज, गोल्ड्स वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे एडवांस करें, इस बारे में भी इनका रहता है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है फुकुशिमा एंड न्यूक्लियर वर्स्ट वाटर कंट्रोवर्सी, पढ़ना है इसको, बहुत बार कर चुके हैं इसमें हम। एंड हाउ राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एथनिक इंडियंस कॉजेस फ्रिक्शंस इन इंडिया कनाडा टाइज, तो ये भी है एक कहीं ना कहीं जो इनकी डिमांड है सेपरेट पंजाब की, जिसको खालिस्तान भी कहते हैं, तो ये चीज़ जो है भाई, द डिमांड ऑफ खालिस्तान, ये कहीं ना कहीं गलत ही है एक तरह से कहा जाए, क्योंकि इंडिया यूनियन एज अ स्टेट्स के बारे में है, सबका एक अपना अपना है, एक कोई अग्रेसिव ग्रुप है, एक पैसिव ग्रुप है। तो अभी ज़्यादा बोलना ना बोलना मेरे समझ में इसमें यही है कि भाई जितना से ज़्यादा इन सब चीज़ों को बढ़ावा ना दिया जाए, इंडिया एंड पंजाब वाले इशू में भी,
कि भाई पंजाब इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ डर्टी पॉलिटिक्स डैट द सम पीपल आर प्लेइंग। और अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो आप इंडिया में आके टेबल पे बैठ के बात करिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी ट्राई नहीं किया, आप लोग कभी पढ़िएगा राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड, ठीक है, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया है पहले टाइम पे, 1986-87 के बाद राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड भी हुआ, प्लस कमिटीज़ भी बिठाई गई दिल्ली रायट्स पे, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफ़ी मांगी थी, एंड इट इज़ अ कोटेड स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, आई एम एक्सेप्टिंग डैट, बट इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की भी बात हो रही है। एंड पंजाब हमेशा से हमारा इंटीग्रल पार्ट रहा है, जैसे कि कश्मीर था, दोनों को कंपेयर भी नहीं किया सकता। पंजाब इज़ लाइक कि आवर शील्ड, है ना, वो मतलब वेस्टर्न फ्रंट पे सबसे पहले पंजाब ही आता है। तो डैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक आउट हियर कि एथनिक इश्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन स्पॉन्सर्ड होते जा रहा है। तो इस पे भी है जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट जो भी एक्शन लिया गया कनाडा के अगेंस्ट, बहुत बढ़िया था। एमईए ने भी स्टेटमेंट दिया अपना कि भाई वी कैन नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, ठीक बात है, वैसे ये टॉलरेट करना भी नहीं चाहिए। वी हैव टू टेक आवर स्टैंड एंड वी हैव टेकन इट। चाइनीज गवर्नमेंट डिनाइड एंट्री टू प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ऑफ व्हाट स्पोर्ट, बताइएगा कौन से स्पोर्ट थे। वुशू बेसिकली, देखो एशियन गेम्स चाइना में हो रहे हैं, अगर पॉलिटिकली देखा जाए, मतलब अगर एज अ नेशनल बात करें, एज अ इंडियन बात करें, तो आपको सस्पेंड ही कर देना चाहिए कि वाई थ्री प्लेयर्स हैव बीन डिनाइड, वाई अरुणाचल प्रदेश के ही क्यों? उन्होंने पहले जम्मू कश्मीर के भी कुछ प्लेयर्स को डिनाई किया है, अरुणाचल के भी प्लेयर्स को डिनाई किया है इस बार। तो अनुराग ठाकुर साहब का ना जाना समझ में आता है, बट आप कंप्लीटली होली डिनाई कर सकते थे इस चीज़ को, बट करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा एग्रेसिव पॉलिसी नहीं रहा कभी भी। वी वॉन्ट टू पैसिफाई, बिकॉज द वर्ल्ड नोज डैट कि हम एक सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर ही बन के रहेंगे। और दिस शोज द फुलिशनेस ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ द I2U2, एंड बताना इसमें, अभी तो थोड़ा देखा, इंडोनेशिया इज द आंसर। हाउ मेनी डेज इज द मेडिएशन मिलकर रिगार्डिंग है, 180 डेज। एंड आशियान 5-point कंसेंसस वाज साइंड बिटवीन आशियान एंड विच पार्टी, इट इज म्यांमार जनता। सो दिस फॉर ऑल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।